हम लोग पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट। आयनिक सॉल्ट मतलब आयनिक सॉल्ट को पानी में घुलाना या किसी और सॉल्वेंट में घुलाना, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ये होता कैसे है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई आयनिक सॉल्ट ले लिए ए बी जो है आयोनिक सॉल्ट, आयनिक सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट है कि ये क्रिस्टल होगा। आयनिक सॉल्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। तो ये जो है आयनिक सॉल्ट हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग पानी में डालेंगे, ठीक है। तो पानी में डालने के बाद क्या होता है कि आयन में टूटता है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो हो गया ए प्लस ए क्यू, जितना रहेगा वो दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं +1 है, और बी हो गया B-AQ। ए क्यू का मतलब क्या हो गया, कि ये पानी में घुल गया है। पानी में घुल गया मतलब पानी उसको चारों तरफ से कवर कर लिया है। ये हो गया हमारा, इसमें जो आएगा इंथैल्पी, ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो भी है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना, एक स्टेप में नहीं होता है। ये हमने एक स्टेप में दिखा दिया कि ऐसा होता है, इसमें जो भी चेंज इन इंथैल्पी होगा उसको हम लोग बोले इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या निकाला हमने, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो रियलिटी में क्या है, होता एक स्टेप में होता नहीं है, ये रिएक्शन जो है एक स्टेप में होता ही नहीं है, ये दो स्टेप में होता है रिएक्शन। तो उस दो स्टेप को हमको अब पढ़ने की जरूरत है। तो पहले क्या होता है कि जैसे ये 1 स्टेप में हमने रिएक्शन दिया, लेकिन ये होता नहीं है, 1 स्टेप रिएक्शन, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, 1 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो एक्चुअली जितने स्टेप में होता है वो सबको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सॉल्ट लिया गया है, सॉलिड है, आयनिक सॉल्ट है, ठीक है। ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद गैसियस आयन में कन्वर्ट होगा। ये भी जो है सॉलिड है, ये आयनिक सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में है, ये ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी लगेगा, ये जो है लैटिस है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि लैटिस इंथैल्पी होगा, यहाँ पर लैटिस इंथैल्पी होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा गैसियस स्टेट में आयन बनेगा, फिर बी भी गैसियस स्टेट में आयन बनेगा, दोनों आयन बन गया। यहाँ पर जो एनर्जी का यूज हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। क्रिस्टल जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट हुआ गैसियस मीडियम, ये क्या है, सॉलिड मीडियम में, ये सॉलिड है, आयनिक सॉल्ट जो है सॉलिड है, लेकिन जब वो अपने आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल जब आयनिक स्टेट में जा करके गैसियस स्टेट में वो आयन्स में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द, इसका ए और बी के बीच में बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। ये तो एक लैटिस बना हुआ है, क्रिस्टल बना हुआ है, क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लैटिस इंथैल्पी, शॉर्ट में एल भी लिखते हैं, ठीक है, या ΔLLaTT कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये निकलेगा, जनरली लैटिस इंथैल्पी एब्जॉर्ब होता है, जनरली लैटिस इंथैल्पी एब्जॉर्ब होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जनरली जो है
लैटिस इंथैल्पी पॉजिटिव, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमने वहाँ कुछ नहीं लिया इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वो फाइनली ओवरऑल एब्जॉर्ब भी हो सकता है रिलीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन इंथैल्पी के ऊपर, ठीक है, कि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, और लैटिस इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन हुआ, और आयनाइजेशन किस में हुआ, गैसियस स्टेप में। सॉलिड आयनिक सॉलिड अपने आयन में कन्वर्ट हुआ गैसियस स्टेप में, अपने आयन में कन्वर्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट हो गया और वो गैसियस स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में ये जो गैसियस आयन बना है उसको चारों तरफ से वाटर का एक लेयर चढ़ जाएगा, जितना भी आयन्स होगा, क्योंकि आयन्स आयन्स के बीच में डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सारा आयन्स जो सेपरेट हो जाए एक दूसरे से दूर हो जाए, तभी संभव है जब सारे आयन्स के ऊपर एक एक कवरिंग लगा देंगे। तो कवरिंग किसका होगा, अगर वाटर लेते हैं तो वाटर का कवरिंग होगा, अगर अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे तो अल्कोहल का कवर, मतलब एक तरह से उसके ऊपर एक इन्वेलप चढ़ जाएगा, है ना, उसके ऊपर एक कोटिंग लगा दिया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा। कहीं भी पानी से पानी में डिजॉल्व करेंगे तो पानी का कोटिंग होगा, अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे अल्कोहल का कोटिंग होगा, एसीटोन में डिजॉल्व करेंगे तो एसीटोन का कोटिंग होगा, किसके ऊपर, आयंस के ऊपर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन, है ना, भींगने की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, भींगने की, गीला होने की प्रक्रिया, है ना। आयंस जो है गीला हो रहा है, गैसियस आयन को चारों तरफ से जो है क्या कर रहा है, ये जो वाटर अगर है तो वाटर उसके ऊपर कवर करके उसको गीला कर दे रहा है, चारों तरफ से कवर कर रहा है। तो आयंस आयंस के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों ही कम हो जाता है, इसलिए सब सेपरेट सेपरेट रहने लगता है, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो गैसियस है और ये जो भी गैस है, दोनों आयन गैस है, इसको जो है ये जो है वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। वाटर को हम लोग AQ करके लिख दिए, हम लोग वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा, वाटर उसके ऊपर जो है, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। ये तो स्प्लिटिंग हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ गया, स्प्लिटिंग हुआ, यहाँ स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्वेशन हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है। और अगर यहाँ पानी लिए हुए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन बोलें या हाइड्रेशन बोलेंगे, सॉल्वेशन बोलते हैं या हाइड्रेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है, गैसियस आयंस जो एक्वस कंडीशन में बन जाए या अल्कोहलिक कंडीशन में, जो उसके ऊपर कवरिंग आ जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। आयंस के ऊपर जो लिक्विड का कवरिंग होता है, लिक्विड का जो एक सी लेयर बन जाता है, इसको हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सॉल्वेशन सारे के लिए यूज होता है, वाटर के लिए भी यूज होगा, अदर सॉल्वेंट के लिए भी यूज होगा, लेकिन हाइड्रेशन वर्ड सिर्फ यूज होता है जबकि हम सॉल्वेंट जो है यहाँ पर वाटर लेंगे, जब सॉल्वेंट लेंगे वाटर तो हम लोग हाइड्रेशन वर्ड का यूज करेंगे, और अगर सॉल्वेंट हम वाटर नहीं ले रहे हैं, कोई और ले रहे हैं अदर देन वाटर है, तो हम वहाँ पर सॉल्वेशन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्वस, पानी में लिए हुए हैं हाइड्रेशन, और ये हो गया हमारा, ये भी एक्वस हो गया। तो इस केस में एनर्जी रिलीज होता है, इनवर्स सॉल्वेशन, सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, ये एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, ये वो एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है, ये हमेशा रिलीज होता है, ठीक है, जब उसके ऊपर चारों तरफ से कवर करता है आयंस को, गैसियस आयंस को लिक्विड, तो क्या होता है उसमें एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है, तो स्टेबिलिटी तभी बढ़ता है जब एनर्जी रिलीज होता है। तो इस केस में एनर्जी रिलीज होगा, इस केस में एनर्जी, तो लैटिस इंथैल्पी का और सॉल्वेशन इंथैल्पी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक केस है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड किया, इस दोनों के ऊपर डिपेंड किया, ठीक है, यानी ये रिएक्शन एक स्टेप में होता ही नहीं है, दो स्टेप में होता है, पहले ब्रेकिंग होता है, स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग होगा, ब्रेक करेगा, डिसोसिएशन होगा, और सेकंड स्टेप में सॉल्वेशन होगा या हाइड्रेशन होगा, अगर वाटर दिए हैं तो हाइड्रेशन होगा, और अदर देन वाटर सॉल्वेंट यूज किए हैं तो
तो सॉल्वेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है इस दोनों के कंबाइन इफेक्ट के बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी प्लस इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, या यहां पर हम लोग एच वाई डी लिख देते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यहां पर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हुआ हमारा रिलेशनशिप, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ ये लैटिस इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी हो गया, और लैटिस इंथैल्पी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, जो कंबाइंड जब कर देंगे तब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। यानी इस रिलेशनशिप के हेल्प से हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं या इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्वेशन अगर दूसरे रूप में लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी प्लस प्लस इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन फाइनल, ठीक है। तो इसके आधार पर ये इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, ओके। अच्छा, इस रिलेशनशिप से हम एक और चीज पता कर सकते हैं कि जब तक कि ये स्प्लिटिंग नहीं होगा, ये जो सॉल्वेशन प्रोसेस या हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा, जब सॉल्वेशन या हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, यानी ये टूटना बहुत जरूरी है ना। और इसका मतलब क्या होगा, लैटिस इंथैल्पी जितना कम होगा उतना जल्दी सॉल्यूशन बनेगा, और अगर लैटिस इंथैल्पी वेरी हाई हो जाएगा तो डिसॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस रिलेशन से एक ये फायदा भी पता चलता है कि हम ये तो पता लगा लेंगे कि ये एक्चुअली घुलेगा या नहीं घुलेगा। अगर लैटिस इंथैल्पी मालूम है, अगर लैटिस इंथैल्पी वेरी हाई है तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लैटिस इंथैल्पी पहले कोई भी डिसॉल्यूशन प्रोसेस जब करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि लैटिस इंथैल्पी क्या है। लैटिस इंथैल्पी वेरी हाई है तो घुलने का चांस तो नहीं है, मॉडरेट है थोड़ा बहुत घुलेगा, और लैटिस इंथैल्पी जब भी बहुत ही कम है यानी वो आसानी से घुल जाएगा। तो लैटिस इंथैल्पी जितना कम होगा उतना जल्दी इसका स्प्लिटिंग होगा, और जितना जल्दी स्प्लिटिंग होगा उतना जल्दी इसका जो है सॉल्वेशन होगा या हाइड्रेशन होगा। तो इसलिए हम इस रिलेशन से ये भी पता कर लेते हैं कि डिसॉल्यूशन प्रोसेस होगा या नहीं, सॉल्यूशन बनेगा या नहीं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग इंथैल्पी, अगर ये दोनों मालूम है तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल लेंगे, अगर ये दोनों मालूम है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन पता कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों, अगर इस तीनों में से कोई भी दो टर्म मालूम है तो तीसरा पता चल जाएगा। तो इसलिए ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, लैटिस इंथैल्पी को भी डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि लैटिस इंथैल्पी को कैसे हम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि लैटिस इंथैल्पी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। ये तो खैर ये इसमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, इसमें है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होता ही नहीं है, ये रिएक्शन होता है दो स्टेप में, और इस दोनों स्टेप को जब कंबाइन करते हैं तब ये ओवरऑल केमिकल इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तभी ना ओवरऑल हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा नहीं तो बच जाएगा ये हमारा, ठीक है। और अभी जैसे हम लोग इंटायर सॉल्यूशन इक्वल टू ये कैसे पता लगाए, हम जो है इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन टू ये है, हम क्या किए, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये कटेगा तो फाइनली किधर बचा, इधर बच गया ए बी, ठीक है, ए बी प्लस ए क्यू, और इधर बच गया हमारा ये ए प्लस ए क्यू, उसके बाद बी प्लस बी माइनस एक यू, यही ना बचा। तो क्या कि इक्वेशन वन और टू को जोड़ दिए, इसीलिए इस दोनों को हम जोड़ देंगे तभी ना हमको मिलेगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन,
क्योंकि ये दोनों को ऐड किए तब हमको ये वाला इक्वेशन मिला है, इक्वेशन वन और टू को जब हम ऐड किए तब हमको ओवरऑल ये रिएक्शन मिला। इसका मतलब इस दोनों को हम ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड, ये दोनों तो एक ही चीज़ है, ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना लिखा हुआ, यानी इसको और इसको ऐड करेंगे तब हमको फाइनल मिलेगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब है सॉल्यूशन, इसका मतलब है सॉल्वेशन, याद रखना है, यानी दोनों में कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। सॉल्वेशन जो है यहाँ सेकेंड प्रोसेस में हो रहा है और सॉल्यूशन क्या है, ओवरऑल प्रोसेस है, है ना। सॉल्यूशन बनने में दो चीज़ होता है, पहले लैटिस एंथैल्पी इन्वॉल्व होता है जहाँ पर कि सॉल्ट जो है ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस हो गया स्प्लिटिंग, क्रिस्टल का टूटना हो गया, क्रिस्टल टूट करके वो अपने आयन में, गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया, फिर वो गैसियस आयन सेकेंड स्टेप में, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाता है, सॉल्वेंट उसके ऊपर लेयर बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन बोलते हैं। तो दोनों प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तब ना सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो जब दोनों को जोड़ देते हैं तो फाइनल ओवरऑल इक्वेशन आ जाता है, इसीलिए हम लोगों को इस दोनों को ऐड करेंगे तभी हमको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए हमने उस दोनों को ऐड करके ये लिखा, दोनों को ऐड करके ये लिखा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।